वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये DIY क्लिप। वैसे देखा जाए तो ये क्लिप बनाना बहुत ही आसान है और एक दो दिन का शौक है भाई क्लिप्स लगाने का, तो ये एक दो दिन के शौक के लिए मुझे लगता है कि हमें ये क्लिप्स DIY ही कर लेनी चाहिए, क्योंकि वैसे मार्केट में देखा जाए या जनरली तो ये नॉर्मल स्टोर्स में मुझे लगता नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने भी काफ़ी स्टोर्स में पता करने की कोशिश की है तो ये मुझे तो मिली नहीं कहीं। और ये मिलेगी आपको बड़े बड़े ब्रांड्स में लाइक H&M और Forever 21, और वहाँ मिलेगी बहुत कॉस्टली। और आप अगर ऑनलाइन सर्च करके इसको मंगाना चाहेंगे तो क्वालिटी, वैसे तो क्वालिटी वाइज क्या ही अच्छा मिलता है ऑनलाइन, बट प्राइस वहाँ पे भी इतना कम नहीं है। तो अगर दो तीन दिन का शौक पूरा करना है तो आप इसे मैं कहूँगी कि DIY ही कर लें, क्योंकि ये बनाना सुपर ही ईजी है। सो फिर शुरू करते हैं वीडियो। DIY क्लिप्स बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कुछ मटेरियल जो कि आपको इजीली आपके घर से ही मिल जाएगा, और थोड़ा बहुत आप मार्केट से भी बाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये मीडियम साइज़ पर्ल लिया है, ये आपको इजीली 15-20 रुपीज़ में मिल जाएगा। ये मैंने मिक्स कलर के कुछ बीड्स लिए हैं, ये मैंने हाफ कटिंग पर्ल लिया है, ये पेस्टिंग में बहुत ही आसान होते हैं, और ये छोटे वाले बीड्स लिए हैं, और ये मैंने कुछ क्लिप्स ली हैं जो कि सबके पास अवेलेबल होती हैं, और ये मैंने एक लेस का टुकड़ा लिया हुआ है। आप चाहो तो कोई भी लेस यूज़ कर सकते हो, सीजर्स, ग्लूगन की जगह आप फेविक्विक भी यूज़ कर सकते हो। हमारी फर्स्ट DIY क्लिप के लिए मैंने ली है कुछ इस तरीके की क्लिप। अब मैं इसे नोट पैड पर लगा दूँगी ताकि हम इस पर ईजिली वर्क कर पाएँ और ये इधर उधर मूव ना हो। अब मैं इस पे थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाऊंगी और इस पे हाफ कटिंग पर्ल पेस्ट कर दूंगी। हाफ कटिंग पर्ल यूज़ करना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही ईजिली पेस्ट हो जाते हैं एज़ कम्पेयर टू राउंड वाले पर्ल। अब मैं इस पे एक एक करके सारे पर्ल पेस्ट कर दूंगी। वैसे मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि आप ये हॉट ग्लू की जगह अगर फेविक्विक यूज़ करेंगे तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत मैसी हो रहा था, साइडों में से हल्का हल्का सा ग्लू निकल रहा था। तो ये मैंने वैसे बाद में क्लीन किया है, ये ईज़िली क्लीन हो जाता है सीजर से कट करके, बट ये सीरियसली ऑसम बनी है। हमारी सेकेंड DIY क्लिप के लिए मैंने ली है कुछ इस तरीके की क्लिप एंड ये लेस, और ये क्लिप बनाना बहुत ही आसान है। अब हम इस लेस को इस क्लिप पे रख के मेजर कर लेंगे, अच्छे से मेजर कर लेंगे, और उतनी ही लेस कट कर लेंगे। और अब हम अपनी क्लिप को फिर से इस नोट पैड पर लगाएंगे और इस पे थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाएंगे। और इस लेस को इस पे पेस्ट कर देंगे। हमारी सेकेंड DIY क्लिप रेडी है, और जो साइड से थोड़ा सा ग्लू है वो हम इसको क्लीन कर लेंगे बाद में, सूखने के बाद में। तो हमारी थर्ड DIY क्लिप के लिए मैंने ली है एक बड़ी सी क्लिप और ये कुछ मीडियम साइज़ के पर्ल। ये क्लिप भी बनाना बहुत ही आसान है, बस इस पे थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और एक एक करके सारे पर्ल इस पे पेस्ट कर देंगे। वैसे आप हाफ कटिंग पर्ल का यूज़ करेंगे तो थोड़ा आसान है उन्हें पेस्ट करना, ये राउंड वाले पर्ल इधर उधर मूव हो जाते हैं, बट इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब एक एक करके हम सारे पर्ल पेस्ट कर देंगे। आप चाहो तो ये जो क्लिप्स ब्लैक हैं आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो, लाइक इस पे नेल पेंट से कोई भी कलर कर सकते हो, जो भी आपको पसंद है।
तो थोड़ा सा अगर आपको कोई और ब्लैक पसंद नहीं है तो आप कोई और कलर, जिस कलर की नेल पेंट हो आपके पास, आप वो यूज़ कर लो। और अब एक एक करके सारे पर्ल पेस्ट कर देंगे और ये हमारी क्लिप बस ऑलमोस्ट रेडी। ये सुपर्ब, हमारी फोर्थ DIY क्लिप और मेरी सबसे फेवरेट क्लिप के लिए हमें चाहिए कुछ लेटर्स एंड कुछ बॉबी पिन। ये लेटर्स आप चाहो तो मार्केट से बाय कर सकते हो, ये बहुत ही ईजिली अवेलेबल हैं, बट मैंने ये लेटर्स बनाए हैं कार्डबोर्ड से। मैंने पहले ये लेटर्स कार्डबोर्ड पे कट किए हैं और फिर उस पर ये छोटे पर्ल पेस्ट किए हैं फेविकोल से। ये बहुत ही ईजिली पेस्ट हो जाता है, कोई भी इसे पेस्ट कर सकता है। और अब हम ये लेटर्स इस पर पेस्ट कर देंगे एक एक करके, ये GIR। इस पे हमें अच्छे से पेस्ट करना है, बिल्कुल अच्छे से। और अब हम पेस्ट करेंगे बॉस। आप चाहो तो कुछ भी लेटर्स कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपका मन कहे। और ये बहुत ही, इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। अब हम ये यूज़ करेंगे लेकिन इन्हें सूखने के बाद। और ये हमारी गर्ल बॉस क्लिप रेडी। हमारी फिफ्थ एंड लास्ट क्लिप के लिए हमें चाहिए ये बॉबी पिन जैसी क्लिप। ये बॉबी पिन से हल्की सी ब्रॉड है, आपके पास ना हो तो आप बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम इस पे पेस्ट करेंगे कुछ मल्टी कलर वाले बीट्स। वैसे इस क्लिप पे आप अगर इसका बेस सिल्वर होता या आई थिंक ब्लैक के अलावा कुछ भी होता तो ज़्यादा बेटर लगती क्लिप। और क्योंकि मैंने काफ़ी मल्टी कलर वाले बीट्स यूज़ करे हैं तो आई थिंक इसका बेस भी कुछ वैसा ही होना चाहिए था, तो ये और भी अच्छी लगती क्लिप। अब हम एक एक करके सारे बीट्स पेस्ट कर लेंगे और ये हमारी क्लिप रेडी। नॉट बैड। अब मैं इसे डायरी पे रख के दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी सारी क्लिप्स। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस ना कर पाएं। बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।